वैसे अलीम डार का आपने नाम लिया, जनरली हम देखते हैं कि आई नो हमारे यहाँ इस तरह के हायर मॉरल ग्राउंड पे ज़रा कम लोग ही ऑपरेट करते हैं। हम देखते हैं अक्सर गोरी टीमों में हीली वगैरह थे, उन कैचेस छूटना शुरू हुए हैं, उन्होंने कहा जी गिलक्रिस्ट अपने पीक पे आकर उन्होंने छोड़ दिया, जस्ट फेल्ट दैट मे बी इज रिफ्लेक्सेज आर नॉट गुड इनफ। परहैप्स अंपायर भी जब गलत डिसीजन दे लेंगे, बिकॉज अलीम डार इज़ मिसिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स नाउ। आई मीन हमें बड़ी मोहब्बत है अलीम डार से, बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़े डाउन टू अर्थ और बड़े बड़े नफीस शख्सियत हैं, लेकिन उनका जो मेन काम है वो थर्ड अंपायर से उनके डिसीजन रिवर्स कराना नहीं, बल्कि उनको ऑन फील्ड सही कॉल लेना है। सो यू रियली थिंक दैट अंपायर्स के भी एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए वैसे, एटलीस्ट ऑन द फील्ड? Absolutely. I mean, he, like you said, he's a great guy and he's being a बहुत ही जबरदस्त empire रह चुके हैं, इतनी service दी है उन्होंने game को, top empire रह चुके हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि हर चीज की एक shelf life होती है। जब shelf life आपकी कम हो जाए या तो आपको चाहिए कि आप किनारा कशी इख्तियार कर लें। तो अलीम डार तो अब से नहीं, मैंने तो उनको कई फॉरेन सीरीज में भी देखा है पिछले 3-4 साल में, जब वो एज अ न्यूट्रल एम्पायर सर्व कर रहे होते हैं कि कई दफा उनके डिसीजंस रिवर्स होते हैं और बहुत ही डायबोलिकल डिसीजंस कई दफा उन्होंने लिए हैं। तो डेफिनेटली इट इज टाइम टू रिव्यू हिम, एंड वंस अगेन आई विल कम बैक टू द ICC के ICC को देखना चाहिए कि कौन सा एम्पायर जो है उसको अब जरूरत है, या तो कुछ रेस्ट की है या जो भी है, या रिटायरमेंट की है या बातचीत की है, जो भी है। तो आई थिंक अलीम डार इज डेफिनेटली ऑन द वर्ज ऑफ सच अ डिसीजन, एंड आई थिंक ही इज नॉट द सेम एम्पायर दैट ही यूज्ड टू बी 5 years ago। एब्सोल्युटली इसमें खैर कोई शक नहीं है, एंड एज ही सेड कि भाई हमारी कोई उनके खिलाफ कोई वो नहीं है। अलीम डार पाकिस्तान के बहुत जबरदस्त रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। लीना आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियंस ने तो एक ज़माने में शेन वॉर्न जैसा प्लेयर ये बोला करता था कि अलीम डार उन्हें बड़ा वो बल्कि मांगा करते थे ICC के हमारे टेस्ट मैचेस एशेज वगैरह के लिए अलीम डार को जो है वो अपॉइंट किया जाए, उनकी इतनी ज़बरदस्त क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी। बहरहाल